साथियों, आप सबको प्रणाम। मैं ललिता कटियार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी। साथियों, आज हम सबके लिए बड़े ही गौरव का दिन है। साथियों, छत्रपति शाहू जी महाराज को भारत में एक सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनके साथ निकटता बनाए रखी। साथियों, उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की एवं गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। साथियों, साहूजी महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया था। उनके पिता का नाम श्रीमंत जय सिंह राव आबा साहब था। साथियों, राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून सन 1874 में हुआ था। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था। साथियों, बाल अवस्था में ही बालक यशवंत राव को छत्रपति साहू जी की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजधानी को संभालना पड़ा था। साथियों, दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने दो ऐसी विशेष प्रथाओं का अंत किया जो योगांतरकारी सिद्ध हुई, जिसमें से नंबर एक है, सन 1917 में उन्होंने उस बलूतदारी प्रथा का अंत किया जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार से गांव वालों के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। साथियों, इस तरह उन्होंने दूसरी प्रथा का अंत किया 1918 में, कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा जिसका नाम था वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनाने का हक दिया। साथियों, इस आदेश के से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हितैषी उसी कोल्हापुर नरेश 1920 में मनमांड में दलितों की विशाल सभा में सवर्ग घोषणा करते हुए कहा था, मुझे लगता है अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट डालेगा। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने दलितों के मुक्तिदाता की महज जुबानी प्रशंसा नहीं की, बल्कि उनकी अधूरी पढ़ाई, विदेशी शिक्षा पूरी करने तथा दलित मुक्ति के लिए राजनीति को हथियार बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान भी किया, किंतु वर्ण व्यवस्था में शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत तबकों के हित में किए गए ढेरों कार्यों के बावजूद इतिहास में उन्हें जिस बात के लिए याद किया जाता है वह है उनके द्वारा किया गया आरक्षण का प्रावधान। साथियों,
मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से सभी देशवासियों को छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन पर आप सभी को बधाई, समस्त देशवासियों को बधाई। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद एवं मेरा प्रणाम।